Channel Mathematica. Today, in this video, we will solve example 4 of chapter 6 lines and angles of class 9 from NCRT textbook. So, the question is In figure, if PQ is parallel to RS, angle MXQ is equal to 135 degree, and angle MyR is equal to 40 degree, we have to find एंगल एक्स एम वाई मीन्स हमें इसमें दो एंगल्स दिए हुए हैं और हमें बता रखा है कि ये जो पी क्यू लाइन है ये पैरल है आर एस के ठीक है एंगल एम एक्स क्यू जो है वन थर्टी फाइव डिग्री है तो एम एक्स क्यू मीन्स दिस एंगल इज़ वन थर्टी फाइव डिग्री एंड एंगल एम वाई आर मीन्स एम वाई आर दिस एंगल इज़ फोर्टी डिग्री वी हैव टू फाइंड एंगल एक्स एम वाई एक्स एम वाई हमारा कौन सा एंगल है एक्स एम वाई मीन्स दिस एंगल मीन्स हमारा कौन सा एंगल बना ये वाला एंगल बना हमें ये फाइंड करना है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन के थ्रू एक पैरल लाइन बनाएंगे जो कि हमारी क्या है ये ए बी लाइन है ठीक है तो हम इसके लिए हम पहले लिखेंगे कि हम एक लाइन जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कि पैरल है पी क्यू के तो पी क्यू के पैरल ए बी हो जाएगी एंड क्योंकि हमें दिया है कि पी क्यू पैरल है आर एस के तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा कि पी क्यू इज़ पैरल टू ए बी एंड ए बी इज़ पैरल टू आर एस ठीक है फिर हम पैरल के कॉन्प्ट यूज करेंगे कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरल है तो हम क्या करेंगे एंगल एक्स एम बी को फाइंड कर लेंगे मीन्स ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेंगे ठीक है पैरल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके एंड सेकेंडली जब ए बी पैरल होगा आर एस के तो भी हम पैरल की ही प्रॉपर्टी यूज़ करके एंगल बी एम वाई निकाल लेंगे यानी ये वाला एंगल निकाल लेंगे जब हमारे पास ये दोनों एंगल आ जाएंगे तो हम क्या करा देंगे उन दोनों का सम करा देंगे तो उससे हमारा कौन सा एंगल आ जाएगा एंगल एक्स एम वाई सो ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही क्लियर हो गया होगा अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं ठीक है तो अब हम पहले लिखते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एम से एक लाइन ए बी की ठीक है तो हम लिखते हैं थ्रू अ पॉइंट थ्रू अ पॉइंट एम ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरल टू द लाइन पी क्यू ठीक है पी क्यू के पैरल जो है हम एक लाइन ए बी ड्रॉ करते हैं दस वी हैव हमारे पास क्या होगा ए बी पैरल टू पी क्यू ठीक है एंड पी क्यू इज पैरल टू आर एस ए बी जो है आपका पी क्यू के पैरल है और पी क्यू जो है आपका आर एस के पैरल है तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए बी इज पैरल टू आर एस सो दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरल टू आर एस ठीक है नाउ ए बी इज पैरल टू पी क्यू क्योंकि ये जो ए बी है पी क्यू के पैनल है एंड एंगल क्यू एक्स एम मीन्स क्यू एक्स एम ये वाला एंगल और एक्स एम बी इनके बीच कोई रिलेशन है दोनों जो हैं ये ट्रांसवर्सल की सेम साइड है सो दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एक्स एम ये जो एक्स एम है आपका ट्रांसवर्सल है जो कि इन दोनों पैरल लाइन्स को आपस में जोड़ता है देयर फोर एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री हमने पढ़ रखा है ना कि अगर सेम साइड पे एंगल्स होते हैं तो उनका सम क्या होता है वन डिग्री होता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये एंगल हमें पता है वन थर्टी फाइव डिग्री है प्लस एक्स एम बी इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री सो यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री माइनस वन थर्टी फाइव डिग्री जो कि कितना आ जाएगा हमारा फोर्टी फाइव डिग्री क्लियर सो देआर फोर एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू हमारा कितना आया फोर्टी फाइव डिग्री क्लियर नाव सिमिलरली ए बी इज पैरल टू आर एस ए बी पैरल है ये ए बी जो है आर एस के पैरल है एंड एंगल बी एम वाई एंड एंगल एम वाई आर इनके बीच क्या रिलेशन है बी एम वाई यानी बी एम वाई ये वाला एंगल और एम वाई आर मीनस ये एंगल ये दोनों आपस में क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स हैं दिस आर ऑल्टरनेट एंगल्स है ना तो ऑल्टरनेट एंगल्स में क्या होता है हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है हमारे इक्वल होता है सो बी एम वाई इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर क्लियर तो यहाँ से एंगल बी एम वाई हमारे किसके बराबर आ जाएगा फोर्टी डिग्री के ठीक है हमें यही चीज़ चाहिए थी, थी अब जब हमारे पास ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल आ गए ठीक है ये फोर्टी फाइव डिग्री आ गया ये फोर्टी आ गया मीन्स ये वाला हमारा आ गया फोर्टी फाइव डिग्री और ये हमारा आ गया फोर्टी डिग्री ठीक है दोनों एंगल आ गए हैंस एंगल एक्स एम वाई जो हमें निकालना था उसको हम क्या लिख सकते हैं एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई लिख सकते हैं ना ठीक है तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा ये फोर्टी फाइव डिग्री प्लस फोर्टी डिग्री क्लियर तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये एटी फाइव डिग्री है ना हैंस मतलब फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू एट्टी फाइव डिग्री ठीक है ईजी था इसमें कुछ भी नहीं था बस हमने क्या किया इसमें पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि पैरेलल की एक तो हमने सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी लगाई है और दूसरी हमने अल्टरनेट वाली प्रॉपर्टी लगाई है ठीक है और ये लाइन को बिना कंस्ट्रक्ट करें हम इसके अंदर पैरेलल की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते क्योंकि पी क्यू और आर एस चाहे पैरेलल हैं ये दोनों पैरेलल हैं बट जो बीच में ट्रांसवर्सल है वो आपकी ये ट्रांसवर्सल ऐसे नहीं जा रही है अगर ये सीधी जा रही होती तो हम यहीं पर पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा सकते थे या फिर ये वाली लाइन अगर सीधी जा रही होती तो हम पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा सकते थे बट यहाँ पर ऐसा नहीं था तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवीजन किया और दो हमारी ट्रांसवर्सल बन गई ठीक है ना ईजी था ना क्वेश्चन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल के साथ Thanks for watching the video.